घटना नहीं अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, एक घटना, एक बार घटना नहीं घटी है, बार बार ये चर्चा आपके माध्यम से उठता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक से सीवर के पानी के आ जाने से वहां 3 छात्रों की मौत हो गई है, जिसमें एक बिहार की छात्रा जिसका नाम तानिया सोनी है उसकी भी मौत हो गई है। अब इसको लेकर के खूब ज़्यादा बवाल मच रहा है और पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा के शून्यकाल में जो है ये मुद्दा उठाया है तानिया सोनी की मौत का। तो पप्पू यादव ने अपना वीडियो पोस्ट किया है और उसमें सवाल उठाया है व्यवस्था पर जो कोचिंग संचालक करते हैं, दिल्ली की सरकार पर, एमसीडी पर, सभी पर सवाल उठाया है। और इसके साथ ही पप्पू यादव ने लिखा है कि लोकसभा के शून्यकाल में आज मैंने दिल्ली में यूपीएससी के छात्र की मौत मामले को उठाया है। हमने कहा है कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर उक्त विषय पर विचार करने की ज़रूरत है। हम अपने बच्चों को इस तरह से मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। सरकार चाहे किसी भी दल की हो, उन्होंने निजी कोचिंग संस्थानों का रेगुलेशन करते हुए जरूरी गाइडलाइन सख्ती से लागू करने की ज़रूरत है। छात्र हित में मेरे और भी सवाल थे लेकिन मेरा माइक फिर से बंद कर दिया गया है। तो पप्पू यादव ने अब लगाया है आरोप उनका माइक बंद करने का, क्योंकि एक दिनों पहले ही नीति आयोग की जब बैठक थी पीएम मोदी अध्यक्षता कर रहे थे उसकी, और उसमें जो है ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया था कि मुझे केवल 5 मिनट बोलने का मौका दिया गया है और माइक बंद कर दिया गया था। ठीक उसी प्रकार से अब पप्पू यादव ने यह आरोप लगाया है कि मेरे माइक को बंद कर दिया गया है। तो दिल्ली कोचिंग सेंटर में जिस छात्रा की मौत हुई है वो बिहार के औरंगाबाद की रहने वाली थी, इसी को लेकर के पप्पू यादव कह रहे थे। तो क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। थी, हम अपनी बहन को बता देना चाहते हैं, मिडिल क्लास की एक बच्ची तानिया जिनकी मौत कल हुई है, परसों, और मेरा आग्रह इसमें 2 है। मैं ना बीजेपी और आम आदमी पार्टी की आलोचना में, पूरे देश के बच्ची जो 60% बिहार के एसएससी यूपीएससी करने आते हैं या बाहर कोटा, लगातार हमारे कोचिंग अध्यक्ष महोदय, लगातार कोचिंग का मानक गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होना, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होना, और एक घटना नहीं अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, एक घटना, एक बार घटना नहीं घटी है, बार बार ये चर्चा आपके माध्यम से उठता है, आप इसको संरक्षित करते हैं, लेकिन इस पर माननीय देख जी, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और इस घटना में जिस तरह से पानी उसमें गया, बच्चे निकलने का प्रयास कर रहे हैं, आपने भी देखा होगा वीडियो। आप तो विषय क्या है बता दो आप, मान्यवर आपने भी, तो आपने सुना कि पप्पू यादव ने किस तरीके से व्यवस्था पर सवाल उठाया है और लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर वहां व्यवस्था सही रहती तो सही होता, लेकिन इसी बीच जो है पप्पू यादव का माइक भी बंद हो जाता है जिसका वीडियो पप्पू यादव ने डाला है। तो अब इसको जोड़ करके देखा जा सकता है कि ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाया था लेकिन इस आरोप का खंडन कर दिया गया था ममता बनर्जी का कि कोई भी माइक बंद नहीं हुआ था और वो झूठ बोल रही हैं, ऐसा बीजेपी की तरफ से भी कहा गया था। अब देखना है कि पप्पू यादव के माइक बंद वाले बयान पर और बिहार की जो छात्रा जिसकी मृत्यु हो गई है दिल्ली कोचिंग सेंटर में, उस पर लेकर के क्या कुछ बवाल मचेगा बिहार में, बिहार के सियासत में क्या कुछ उबाल आने वाला है, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन पप्पू यादव लगातार जो है सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है, दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। धन्यवाद।